कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने थे गोविंदा, अब बीजेपी का कर रहे प्रचार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के प्रचार अपने जोरों पर है। प्रचार के आखिरी दिनों में प्रत्याशी अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट ने अपने मैनिफेस्टो में वादों के साथ वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। हर कैंडिडेट वोटर्स को लुभाना चाहता है। ऐसे में रैली में एक स्टार होने पर यह काम बहुत आसान हो जाता है। मलकापुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चैनसुख मदन लाल संचेती ने अपनी विधानसभा के वोटर्स को लुभाने के लिए बॉलीवुड स्टार गोविंदा को उतार दिया। देखिए तस्वीरें। भाजपा के लिए रोड शो करते गोविंदा की सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए। अपने फेवरेट एक्टर की एक झलक पाने के लिए क्षेत्र के करोड़ों लोग इकट्ठा हुए। खुली नंबर एक स्टार व्हाइट ड्रेस में थे और उनके माथे पर तिलक था। गोविंदा खुली जीप में बैठकर हाथ जोड़ते हुए अपनी ट्रेडमार्क स्माइल को बिखेरते हुए दिखाई दिए। उनकी गर्दन पर भाजपा का दुपट्टा भी था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोविंदा ने लोकसभा में मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा था। उन्होंने 2004 में भाजपा के राम नाई को 50,000 वोटों से हराकर चुनाव जीता था। हालांकि गोविंदा ने 2009 में राजनीति छोड़ दी थी और इसमें कभी न लौटने की बात कही थी।